हमारे साइबर पॉइंट नाइन यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, जिस पे हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे और हम नॉर्मलाइजेशन को भी समझेंगे थोड़ा बहुत कि नॉर्मलाइजेशन तो इस अगर जो गेट वाले एक्सपेरेंट मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उनको तो मैंने नॉर्मलाइजेशन क्लास में पढ़ा दिया है, तो वो इन क्वेश्चनों को देखेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यूट्यूब पे वैसे मैंने उसका थ्योरी लेक्चर नहीं डाला है, लेकिन हाँ इस पे मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखेंगे और जिनको आता है वो देखेंगे कि उनको कितना आता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ एमसीक्यू, कम से कम 20 एमसीक्यू लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अगर आप इनको भी देख लेते हैं और एग्जाम्स में आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए पहला ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ फंक्शन दैट हैज नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इट। कहता है कि एक फंक्शन जिसके पास पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ना हो तो उसको किस फॉर्म में कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दो तीन चीज़ों का बाद याद रखेंगे। पहला, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है, जनरली वो एटोमिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जनरली सारे के सारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही रहते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी याद रखेंगे। सेकेंड जो है पार्शियल डिपेंडेंसी पे जो क्वेश्चन है भी, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी इसका यानी बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड नॉर्मल फॉल जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये सब कुछ टर्म है जो आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉल किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, सेकेंड में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और बी सी एन एफ में जो है, ठीक है, बी सी एन एफ जो कि 3.5 इसको कहते हैं, ठीक है, बी सी एन एफ बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर, इसमें जो है एवरी की जो सुपर की होनी चाहिए। ठीक है, ये सुपर की लॉसी लेस डिकम्पोजिशन ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। और फोर्थ नॉर्मल फॉल जो है उस पर फंक्शनल डिपेंडेंसी काम नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी फोर्थ नॉर्मल फॉल में याद रखेंगे, और फिफ्थ में याद रखेंगे ज्वाइंट डिपेंडेंसी। फिफ्थ में याद रखेंगे ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, और लिख लेंगे पाँच चारों पाँच बात को, ताकि जब क्वेश्चन करें तो आपको इस सब बातों का ध्यान रहे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, फंक्शन दैट हैज नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉल। ठीक है, तो चलिए पहला इसका हो गया। अभी सेकेंड नंबर चलते हैं, फोर एन एफ इज डिजाइन टू कोप विथ। फोर एन एफ जो है डिजाइन किया गया है इज कोप विथ, यानी किससे कोप है ये, तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, अगर यहीं पर रहता है फिफ्थ तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर थर्ड रहता तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और यहाँ पर फोर्थ है तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिफ्थ नॉर्मल फॉल इज डिजाइन टू कोप विथ। तो अब पूछ रहा है कि फिफ्थ नॉर्मल फॉल किससे डिजाइन कोप होता है, तो आपको बताना ये ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो चलिए देखिए आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ में, अब बी सी एन एफ इज, बी सी एन एफ क्या है। ठीक है, वॉइस कोड नॉर्मल फॉल जो इसमें आपको देखना है, बी सी एन एफ क्या है आपको बताना है। पहला है लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, लॉसलेस ज्वाइन बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नॉट लॉसलेस ज्वाइन बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नॉन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया था लॉसलेस ज्वाइन बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फाइव नंबर में। अगला जो क्वेश्चन है फाइव नंबर का, एवरी बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म इज इन। कहता है एवरी बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म को जो है किस में होना चाहिए। जाहिर सी बात है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ही चाहिए, इसको सेकंड में होना चाहिए, थर्ड में होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर का डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता होगा कि ये बॉटम टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक है, तो अगर बॉयस कोड है उसको थर्ड में भी, सेकेंड में भी और फर्स्ट में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बेसिक आइडिया तो आपको होगी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की तो आपको इतनी बेसिक आइडिया होगी। और आपको फिर भी कन्फ्यूजन है, लगता है कि आपको नहीं आता है, तो आप कमेंट करें, तो मैं इसके लिए कुछ करूँगा कि थ्योरी के भी लेक्चर अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर आपको पेड लेक्चर देखना है तो उसे पेड है वो लेक्चर, वो तो गेट्स वालों के लिए है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब के लिए मैं लेक्चर बनाऊँ। ठीक है, अगर टाइम मिला तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिक्स नंबर में क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है, विच वन इज नॉट ट्रू। पहला है, अ रिलेशन इज इन बी सी एन एफ इफ इट इज इन फोर एन एफ। कह रहा है यदि कोई फोर एन एफ में है तो बी सी एन एफ में होगा। सही बात है, होगा ही। ठीक है, बी सी एन एफ इज स्ट्रिक्टर देन थ्री एन एफ। सही बात है, बी सी एन एफ जो है थ्री एन एफ से ज़्यादा स्ट्रिक्टर है। रिलेशन इज इन बी सी एन एफ, बी सी एन एफ में जो रिलेशन होता है, इफ इफ यू आर डिटरमाइन ऑफ द रिलेशन इज अ कैंडिडेट की। सही बात है, इसमें सारे के सारे कैंडिडेट की और सुपर की होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑल आर ट्रू। ठीक है, डी एस का आंसर ऑल आर ट्रू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन में है, इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट
यदि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, कहता है यदि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट जो है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे नॉन की एट्रीब्यूट का मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट का क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट उसे उस एट्रीब्यूट को कहते हैं जो कि कैंडिडेट की का पार्ट हो, ठीक है। और कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सुपर की, मिनिमल सुपर की ही कैंडिडेट कहलाता है। और प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की के ग्रुप में से जो डाटाबेस इंजीनियर जो होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसमें से एक की निकालता है, उसको प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुपर की होता है, उसके अंदर कैंडिडेट की, उसके अंदर से एक प्राइमरी की निकलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट कहा है, इसका मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो होता है जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं हो, ठीक है। और वो अगर पूरी तरह से फंक्शनली डिपेंडेंट है कैंडिडेट की पे, तो उसको कहेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भी था, पार्शियल नहीं होना चाहिए, फुल्ली अगर डिफेंस फुल्ली अगर है तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो सेवन का बी आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गेट लेवल का, ये वाला जो 8 नंबर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आ सकता है, ठीक है। फिर भी वैसे क्वेश्चन आसान है, देखेंगे। एक स्कीमा है, रिलेशन आ रहा है एस टी यू भी, ठीक है। एंड द डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी बहुत आसान है, एस से टी, टी से यू, यू से बी, बी से एस। यहाँ पे आपको पहले तो देखिए क्वेश्चन को देखने से सबसे पहले यहाँ पता कीजिए कि कैंडिडेट की कौन सा है, ठीक है। कैंडिडेट की प्राइमरी की कौन सा हो सकता है, तो देखिए एस से आप टी जा सकते हैं, टी से यू, यानी एस से जो है आप सारे के सारे पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं एस से कैसे पहुँच सकते हैं, और मैंने गेट वालों को तो ठीक भी बताया था कैसे पहुंचते हैं कि एस से टी, फिर टी से यू जा रहे हैं, यू से बी जा रहे हैं, बी से एस जा रहे हैं। एस से आप सभी की को पता कर सकते हैं, सभी अगले वाले रिलेशन को आप जा सकते हैं, लेकिन टी से अगर करेंगे तो टी से क्या एस छूट जाएगा, ठीक है। यू से फिर कुछ और छूट जाएगा, फिर एस और टी को मिला के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कितने सुपर की और कैंडिडेट की हो सकते हैं, इस तरह से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि इसको दो भागों में विभाजित किया गया, लेट आर इक्वल टू आर वन आर टू, ठीक है। सो दैट आर वन जो है यहाँ पे आर टू फाई फाई यानी आर और इंटरसेक्शन आर टू, यानी इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आर वन को इंटरसेक्शन आर टू करने पे फाई आता है, यानी इंटरसेक्शन करने पे भी फाई आ रहा है, तो देन द डिकम्पोजिशन इज, तो डिकम्पोजिशन किस में होगा, तो देखने के बाद आपको बताना चाहिए ये क्या होगा, टू एन एफ में होगा, ठीक है। टू एन एफ में ही ऐसा होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ऐसा होता है कि, लेकिन ये थ्री एन एफ नहीं हो सकता है, टू एन एफ में ही होगा, ठीक है। तो ये वैसे गेट लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको अगर समझना है तो आप हमारे थ्योरी वाले लेक्चर को देखें तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी समझ पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इस पर और ज़्यादा टाइम देता हूँ तो फिर मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है, टेबल इज इन टू एन एफ, टेबल जो है टू एन एफ में है, इफ़ इट इज इन वन एन एफ एंड इफ, कहता है कि मान लीजिए कि एक टेबल टू एन एफ में होता है, इसका कंडीशन आपको मिलने बताना है टू एन एफ में कब होता है। तो पहली बात तो वन एन एफ में होना चाहिए, चलिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि उसको पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी फुल्ली डिपेंडेंसी होना चाहिए। और फुल्ली डिपेंडेंसी का मतलब क्या, कि जो भी प्राइमरी की होगा उसके बाद जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे सारे के सारे उस पर डिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे कि पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, नो कॉलम दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की इज डिपेंडेंट ऑन ओनली पोर्सन ऑफ द अल्टरनेट की, नहीं ये गलत है, ऑल द पोर्सन नहीं, फुल्ली होना चाहिए। नो कॉलम दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द, कहता है कि ऐसा कॉलम जो कि प्राइमरी की का पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इज डिपेंडेंट ऑन ओनली पोर्सन ऑफ द प्राइमरी की, हाँ ये सही है, कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी फुल्ली पर्सनल डिपेंडेंट होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। ये पार्शियल था, ये भी पार्शियल था, ठीक है, ये फुल्ली है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखेंगे सब बातों का। अरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन है, अ नॉर्मल फॉर्म इन विच एवरी डिटरमिनेंट इज अ की, एक नॉर्मल फॉर्म इन विच एवरी डिटरमिनेंट इज अ की, जिसमें कि हर एक डिटरमिनेंट की होता है। तो मैंने आपको बताया था किस में होता है, बी सी एन एफ में होता है, बी सी एन एफ में हर एक की को सुपर की होना पड़ता है, और सुपर की का ही दूसरा डिफिनेशन क्या है, की। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सुपर की, तो आपको कह सकते हैं की और सुपर की में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डेफिनेशन की का है वही डेफिनेशन सुपर की का भी होता है, ठीक है। तो सुपर की होता है, इसलिए इसका आंसर जगह सी, बी सी एन एफ, एवरी की को सुपर की होना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, अगर आप ये वीडियो मेरा अच्छे से देख रहे हैं तो सबसे पहले मैंने बताया, अभी तुरंत बताया था जब मैंने वीडियो शुरुआत की, तो उसमें मैंने पहले पांचों कंडीशन बता दी थी सबको, कि थर्ड के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है, सबका बता दिया था, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन बता देना चाहिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही है तो थर्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है, बी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 12 नंबर में, द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज इनएडिक्वेट इन सिचुएशन वेयर द रिलेशन, कहता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म
इनएडिक्वेट हो जाता है इन सिचुएशन वेयर द रिलेशन यहाँ पे हैज मल्टीपल कैंडिडेट की, क्या इसके मल्टीपल कैंडिडेट की होते हैं इसलिए, हैज कैंडिडेट की दैट आर कंपोजिट इसलिए, हैज ओवरलैप्ड कैंडिडेट की इसलिए, नहीं तीनों में से तीनों गलत है, इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जिसकी इसका कंडीशन एक ही है, वो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी तुरंत बात की थी, तो इसका आंसर जो ऑल आर ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन अभी रिपीट है, रिलेशन इज बीसीएनएफ डीएनएफ, कह रहा है कि अगर 4NF है तो बीसीएनएफ पे होगा, सही बात है, बीसीएनएफ 3NF से ज़्यादा स्ट्रिक्टर, ये भी सही है। ठीक है, ये सारे सभी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एज एडिक्वेट फॉर यूजुअल डेटाबेस डिजाइन, कहता है किसी भी डेटाबेस डिजाइन के लिए कौन सा इसमें से नॉर्मल फॉर्म एडिक्वेट होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर एक एडिक्वेट नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो हमेशा 3NF होता है। ठीक है, 3NF में अगर आपने कोई भी डाटाबेस को डिजाइन किया है तो वो एडिक्वेट कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जगह बी, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, 3NF और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, एडिक्वेट होता है। ठीक है, 3NF और आपको कोई डाटाबेस बनाना है तो अगर आप 3NF में उसको बना दिए तो वो सफिशियंट होता है। ठीक है, वो हर एक चीज़ को फॉलो लगभग कर जाता है। ठीक है, और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाना है तो BCNF पे जा सकते हैं, 4NF पे जा सकते हैं, 5NF पे जा सकते हैं, लेकिन 3NF तक में काम हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, देखिए कैसे क्या होता है, डेटाबेस जो डिजाइन होता है, जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहे होते हैं उस तरह से डेटाबेस भी डिजाइनिंग होता है, जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पहले SRS बनाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसी तरह से यहाँ भी SRS बनती है, फिर AI डायग्राम बनता है। ठीक है, फिर उसके AI डायग्राम के बाद फिर डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद फाइल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उसमें इंडेक्सिंग होता है, फिर बी ट्री, हिप ट्री, कैसे कैसे ये सब काम होने के बाद एक डाटाबेस डिजाइन होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तरह इसमें भी काम होता है। ठीक है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, रिलेशन इन BCNF इज ऑलवेज इन 3NF, बिल्कुल सही है पहला ही आंसर, तो बिल्कुल ही सही लग रहा है। ठीक है, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। अब यानी अगर पहला सही है तो जाहिर सी बात है कि बाद वाले गलत ही होंगे। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है तो, अरे यहाँ ऑल ऑफ द अबव ना हो तो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो लंबी जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी आर जनरलाइजेशन ऑफ, फंक्शनल डिपेंडेंसी जनरलाइजेशन किसका होता है, की डिपेंडेंसी हमेशा ध्यान रखेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी आई थी की के लिए। ठीक है, की कैसे हम खोज सकते हैं। ठीक है, तो की डिपेंडेंसी की पे डिपेंड करता है, इसका आंसर आप चेक कर लें तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। फिर एक रिलेशन है, ए बी सी डी इज रिलेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लॉस स्लैश ज्वाइन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग BCNF डिकम्पोजिशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले, सबसे पहले तो आपको लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सुनिए अच्छे से क्या होता है, तो समझेंगे लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक ये है आर रिलेशन, मान लीजिए एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल ऐसा समझेंगे, कहानी की तरह से एक टेबल है, उस टेबल को अगर दो भागों में कहा कि विभाजित करो। ठीक है, एक टेबल है उसको कह रहा है कि दो पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, दो पार्ट में तोड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको ऐसे तोड़ेंगे कि डाटा लॉज ना हो जाए। ठीक है, डाटा लूज ना हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी टेबल को आपने दो पार्ट में तोड़ा और डाटा लूज हो गया, यानी जैसे कि आपने ए बी सी डी है तो एक भाग में ए बी तोड़ लिया और एक भाग में डी तोड़ दिया और सी रह गया, तो क्या होगा कि फिर जब उसको आप जोड़ेंगे तो फिर जाके यही टेबल मिलना चाहिए, लेकिन अब जब आप जोड़ रहे हैं तो टेबल नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये लॉसी हो गया। यानी कहना चाह रहा है कि आप ऐसे उसको तोड़ें ताकि जब आप उसको दोबारा से दोनों टेबल को फिर से जोड़ें तो दोबारा से वही जाके टेबल मिल जाए आपको और वो लॉसी ना हो। तो मैं बताऊँ कि लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी गुड होता है और लॉसी डिपेंडेंसी जो है ख़राब होता है। ठीक है, यानी बैड होता है। तो लॉसलेस ज्वाइंट डिपेंडेंसी करने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करने होते हैं ताकि जब हम उसको करें, जैसे कि पहला कंडीशन होता है कि जब आप इसको क्या कहते हैं तोड़ें, तो एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, जब इसको आप तोड़ें तो एक जो है इसमें से एक जो है एट्रीब्यूट वो कॉमन होना चाहिए दोनों टेबल में। जैसे कि यहाँ पे ए बी एट्रीब्यूट है और ये बी एट्रीब्यूट है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम 4-5 कंडीशन है जो आपको याद रखने पड़ते हैं लॉसलेस। अगर आपने नहीं पढ़ा इसको, आप डेप्थ में जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चूंकि MCQ का लेक्चर है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप समझेंगे थोड़ा सा क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी का मतलब होता है किसी एक टेबल को दो भागों में विभाजित कर देना और फिर उस दो भागों को विभाजित किए हुए टेबल को अगर दोनों को जोड़ें तो फिर जाके एक टेबल वही टेबल मिल जाए और डाटा लॉस ना हो। ठीक है,
तो इसमें से सिर्फ ए ऐसा दिख रहा है जहाँ पे देखिए ये कॉमन है और इसको अगर जोड़ेंगे दोबारा से ए टेबल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएंगे ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये इसमें देखिए सी सी कॉमन है लेकिन देखिए ए बी और ए सी आर इसमें डाटा ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा ए, ठीक है। और जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है अगर वो वाला, तो ये बातों को समझते होंगे और ये आसानी से बता सकते हैं ए आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अ प्रॉपर्टी विच इंश्योर दैट ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड इन सम इंडिविजुअल रिलेशन। ये फिर वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है लॉसलेस पे ही। कह रहा है कि अगर आपको लॉसलेस का कंडीशन याद हो तो आप बता सकते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो कि प्रत्येक एट्रीब्यूट जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी को होल्ड कर रहा है और आफ्टर डिकम्पोजिशन, तो उसको क्या कहेंगे? उसको सिंपल से लॉसी लेस ज्वाइन कहेंगे और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन कहेंगे। इसलिए ऐसा हो जाएगा सी, ठीक है। बहुत एंड भी दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ऑफ द फॉर्म, फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द फॉर्म, फंक्शनल डिपेंडेंसी द फॉर्म एक्स टेंस टू वाई, वाई इज ट्रिवियल, ठीक है। कहता है यदि एक्स वाई है, ठीक है, एक्स टेंस टू वाई है और इज ट्रिवियल। ट्रिवियल कब होता है आप समझेंगे। अब देखिए तीन टाइप्स के होते हैं, एक ट्रिवियल होता है, एक नॉन ट्रिवियल होता है, एक कम्प्लीटली नॉन ट्रिवियल होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रिवियल तब होता है, ट्रिवियल देखिए ट्रिवियल जनरली यूज नहीं आता है, हमेशा नॉन ट्रिवियल ही यूज होता है और कम्प्लीटली नॉन ट्रिवियल ही होता है, ठीक है। ट्रिवियल वो होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक अकाउंट ऑफिस में गए और अकाउंट ऑफिस में आपने कहा कि आपको मान लीजिए कि आपको जानने के आपके बैलेंस कितने हैं, कॉलेज आप कॉलेज मान लिया पढ़ते हैं, आपने पूछा कि सर आप उसको आपने अपना नाम बताया, अपने फादर नेम बताया और वे अपना इंट्रोडक्शन यानी सारा का सारा चीज़ बताया और आपने बोला कि सर आप बताओ कि मेरा फीस कितना है कॉलेज में। तो वो आपको अकाउंटेंट दोबारा से क्या बोलता है, क्या आपका नाम राहुल, जैसे आपने बताना आपका नाम बताया, आपने बताया आपका नाम राहुल है, ठीक है। तो उसने बताया कि आपका नाम राहुल है, तो दोबारा से आपको वही चीज़ बता रहा है जो आपने बताया उसको। तो ट्रिवियल में ही होता है कि ये कि आपने जो बताया वही बताया, इसका मतलब होता है कि वाई दोबारा से भी बता रहे हैं, मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा, वाई इज अगेन सबसेट ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो वही वाली बात होगी ना, आप वो ये हो सकता है कि ये कन्फर्मेशन के लिए हो सकता है, लेकिन डाटाबेस में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 10 चीज़ें बताई और बाद में जाके आपको वही एक चीज़ बता रहा है तो ये चीज़ें सही नहीं है, इसके लिए इसको ट्रिवियल कहते हैं, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल होता है कि मान लीजिए जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपने बैंक में एक आधार कार्ड नंबर देते हैं, आपको सारा का सारा इंट्रोडक्शन दे देता है कि आप आधार कार्ड बताओ सब कुछ का आपका काम हो गया आप जाओ, ठीक है। तो ये हो गया नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल होता है एक्स टेंस टू वाई, तो वाई फिर टेंस टू एक्स हो जाए, मतलब वाई फिर अगेन सबसेट एक्स के हो जाए। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। अगर आप अच्छे से इसको सुनेंगे भी ना मैं जो कह रहा हूँ तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंपटीशन एग्जामिनेशन में जा रहे हैं और आप अच्छे से सुन रहे होंगे तो काम हो जाएगा आपका। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन द स्कीम ए बी सी, द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस सेट इज। बड़ा आसान सा है, कह रहा है कि एक रिलेशन मान लीजिए, स्कीमा मान लीजिए ए बी सी है और इसका कैनोनिकल फॉर्म। अब कैनोनिकल फॉर्म आप जानेंगे कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म का मतलब तो ध्यान से सुनेंगे इसको भी। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है कि आप कितने से कम स्टेप्स में आप यानी कितने कम एट्रीब्यूट लेके आप चीज़ों को सारे के सारे रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो अगर एंड एंड नहीं रहता तो जहाँ अकॉर्डिंग टू रूल तो पहला वाला आंसर सही होता है, ए टू बी सी, ठीक है। ये फाइन था इससे, क्योंकि आप देखिए ए से बी सी यानी ए बी सी, ए एक अगर क्लोजर निकालते हैं आप तो एक से तो ए निकलेगा ही और ए बी सी निकल जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है आपको क्लोजर आता होगा, क्लोजर तो आता ही होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो क्लोजर सेट आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ए से ए बी सी निकाल सकते हैं और देखिए ए बी सी ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर मिनिमल के कैनोनिकल की बात कर रही है तो इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसमें देखिए दो एट्रीब्यूट और इसमें एक ही है, ठीक है। तो एक से जाना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंड है तो अगर यहाँ पे हम देखें ए टू बी फिर बी टू सी जाएँ तो देखिए अगर ए का क्लोजर लें यहाँ से भी तो ए का क्लोजर लेंगे बी फिर बी का क्लोजर सी, तो ए से ए बी सी निकल जाएगा ऐसे भी। अगर एंड है तो देखिए बी पे क्या आंसर है, ए टू बी बी टू सी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए दिया गया, ठीक है। गेट लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप सिंपल लेवल एग्जाम से कर रहे हैं तो सिंगल ही देगा, ठीक है। लेकिन आप गेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसरो NTRO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जगह डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे मिनिमम कैनिकल है, ठीक है। और एंड का मतलब दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे, तो इसके लिए इसका आंसर जगह डी। चलिए इसका आंसर भी चेक कर लें, ठीक है, डी हो गया। चलिए ये थे 20 क्वेश्चंस लगभग, और आपको पता भी चला होगा आपको कितना नॉर्मलाइजेशन आता है कि नहीं आता है। और मैंने कोशिश की कि आपको हर एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप
की एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप इस वीडियो को देख के भी आप अगर क्वेश्चन इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में भी रखेंगे ना, तो आप एग्जाम्स में आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। और इतने भी हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, आसान से क्वेश्चंस आएंगे, और बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, मेरे जो जो मैंने बातें की अभी 20 मिनट में, हर एक चीज़ों को बात में ध्यान रखेंगे। और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पर बड़ा अच्छा सा थ्योरी लेक्चर भी बनाऊंगा, और बड़े डिटेल में उसको लेकर चलेंगे, एक एक चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर एक शायद कंप्यूटर साइंस के हर एक एग्जामिनेशन का आपको हेल्प मिलेगा, चाहे मॉडल पेपर हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देते हैं उसको, और हम बताते भी हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, और थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर एमसीक्यू लेकर सब चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं पूरी की पूरी। इनबिल्ट आपको एक यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।